देवास जिला चिकित्सालय में पिछले दिनों हुई डॉक्टरों के साथ बदसलूकी व सुरक्षा गार्ड को हटाने के मामले में एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुनः सुरक्षा गार्ड की सेवा चिकित्सकों को मिल सके इस हेतु जिला चिकित्सालय के चिकित्सक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा गार्ड के लिए पुलिस अधीक्षक से मांग की है। चिकित्सकों ने बताया है कि पिछले दिनों चिकित्सालय में डॉक्टर प्रवीण पाटीदार के साथ मारपीट की घटना हो गई थी, जिस पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी ने चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए गार्ड भी लगाया था। चंद्रशेखर सोलंकी के स्थानांतरण के बाद चिकित्सालय में कुछ दिनों तक गार्ड रहा, किंतु अचानक से गार्ड और चिकित्सालय से हटा दिए गए, जिस पर चिकित्सकों ने मांग की है कि उन्हें सुरक्षा पुनः दी जाए। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।